असलकम वरम् व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम रूबरू में आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने मेहमान शेख किफ़ायतुल्लाह फ़ातुल्ल साहब के साथ आइए हम पहले शेख का इस्तकबाल करते हैं उसके बाद शेख से इस्तीफ़े की कोशिश करते हैं शेख हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपनी जानिब से अपने नाजरीन की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया आज जो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं वो सवाल ये है कि अगर कोई मेहमान आए तो उस मेहमान की ताज़ीम में खड़ा होना या उसके इस्तबाल के लिए आगे जाना खड़े होकर तो क्या शरीय में इसकी इजाज़त है अलहदिल्ला तोलम रसोल आबादा देखिए सोन त्रिमिजी वगैरह की सही रवायत है कि अल्लाह के नबी नबीन ने फरमाया है कि बल्कि वहीद सुनाई है कि अगर कोई ये पसंद करता है कि लोग उसके लिए खड़े हों तो ये तरीका ठीक नहीं है मतलब मतकबरीन का तरीका है घमंडियों का तरीका है उसके लिए जहन्नम का जॉब है तो इस तरह की रवायात हैं तो अपनी तज़ीम करवाने के लिए किसी को खड़ा करना या इसको पसंद करना यह शरीयत में ममनू है लेकिन किसी और वजह से किसी के इस्तकबाल में खड़ा होना तो उसकी कुछ शक्लें हैं जो जायज़ हो सकती है जैसे सोन तिरमिज़ी ही की रवायत है कि अल्लाह के नबी वसलम के सामने फ़ातिमा रजना आती थी तो आप खड़े हो जाते थे और हाथ पकड़ते थे चुनते थे तो कोई रिश्तेदार आ गया कोई करीबी आ गया तो खड़े होकर उसका इस्तेवाल करना इसमें कोई ऐब की बात नहीं है अपना रिश्तेदार है करीबी है दोस्त है कोई भी है इसके अलावा किसी ख़ुशी के मौके पर कोई आदमी आपसे मिला या आपके पास आया आप उसे कोई मुबारकबाद देना चाहते हैं खड़े होकर कि बहुत अच्छी चीज़ है तो भी उसकी गुंजाइश से सही बुखारी वगैरह की रवायत है कि जिन लोगों का बाइका्ट किया गया था जंग में पीछे रह गए थे तो बाद में जब अल्लाह तौ ने तोबा कबूल फरमाई तो मस्जिद में सब लोग थे तो जैसे ही काबिन मालिक रजी लन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए तो तलहा बिन अबैदल रज़ी वो खड़े हो गए और दौड़ के उनको पकड़ते हैं और सलाम करते हैं और कहते हैं तोबा मुबारक हो तो यह हदीस मिलती है मतलब खड़े होकर मुबारकबाद देने की तो इस तरह की शक्लें हों तो खड़ा हुआ जा सकता है एक और रिवायत है कि अल्लाह के मसम के सामने एक दूसरे साहबी आए तो आपने कहा कहाम इला सही दिखूँ या क़ोले सही दिखूँ कि खड़े हो उनको रिसीव करो सवारी से उतारो तो ऐसे कोई और आदमी आ गया जिसको आप सवारी से उतारना चाहते हैं या मेहमान आ गया उसे आप कहीं पे बिठाना चाहते हैं खड़े होकर बताना चाहते हैं आइए भाई यहाँ बैठिए तो ये वो शक्लें हैं जहाँ पे खड़े होना जायज़ है इसमें तज़ीम की बात नहीं है इसमें एक ज़रूरत है किसी को मुबारकबाद देना है उसके लिए सलाम करना है उसके लिए करना आने है। वाले का इस्तबाल करना है उसके लिए तो इसमें तजीम वाली बात नहीं है तज़ीम की जो शक्लें हैं जैसे बादशाह लोग खड़ा करते थे वो अलग है और उसमें एक तकबर की शक्ल पाई जाती है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए बाकी ये जहाँ तकाज़े हैं खड़े होने के तो वहाँ पे खड़े होने में कोई हैरज की बात नहीं जिन अहादीस की तरफ मैंने इशारा किया इन हदीस में इसका जवाब मिलता है जवाब मिलता है यानी वो आने वाला मेहमान अगर उस बात को पसंद करता है कि मेरे लिए खड़ा हुआ जाए या वो खड़ा करवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में ये नाजायज है जी बिल्कुल जैसे कोई जो जो जैसे कोई नेता लोग आ जाते हैं तो सब खड़े हो जाओ एक साथ अरे एक दो आदमी खड़ा हो जाए एक इस्ताल के लिए तो ये होता है लेकिन अब पूरी टीम सब के सब खड़े हो जाए तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है तो ये तो ताज़िम के साथ खड़ा होना हुआ तो इसकी कोई दलील नहीं है किताबों सुनत में अल्लाह के नसम की ज़िंदगी में साहबा की ज़िंदगी में इसकी कोई नज़र नहीं मिलती अल्लाह के नबी से बड़ी शख्सियत किसकी हो सकती है लेकिन किसी हदीस में नहीं मिलता कि सहाब ग्राम की मजलिस में अल्लाह के नबी आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं तो जब नबी के लिए सहाब ग्राम नहीं खड़े होते थे तो हम किसी के आने पर तज़ीम के लिए क्यों खड़े हो सकते हैं सही जजाकल्ला खैर नाजिन देखा आपने शेख ने हमारे सामने ये मसला रखा है कि अगर आने वाला इस बात को पसंद करता है अब वो चाहता है कि उसके लिए खड़ा हुआ जाए उसकी ताज़ीम की जाए वो ताज़ीम में जो है आगे बढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में बचना चाहिए हदीस में इससे मना किया गया है लेकिन किसी के इस्तबाल में खड़ा होना या किसी को रिसीव करके किसी जगह पर पहुँचाना तो इसमें कोई मकाक़ा नहीं है शेख ने तफसीली बात हमारे सामने रखी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताली हम सबों को इन बातों को समझने की तोफ़ी अता फरमा नाज़िन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इन फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ असलकूम वरमि वबरकूँ ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें